बोलो मेरे साचे दरबार की भाई। बाला जी महाराज वचन दिया उन्होंने लेकिन उन्होंने फिर से बात किया उसकी सेवा होगा क्योंकि बेटा तेरी सेवा में कमी है, तेरी सेवा में कमी है तो वो बांध पा रहे। अगर वो सेवा में कमी ना होती ना तो बालाजी को कोई मेरे पुत्र को ऐसे बांध पाए तो क्या करना। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। तू अखंड जो जगाते उसके नाम अखंड जो और सेवा उठाओ उसके 40 साल ठीक है और उसे प्रसन्न कर मर्जी से। बोलो मेरे साथ बेटा वो उस दिन से ज्यादा सेवा करते हैं अपने पास भागे बुला के बिठा लेते तेरे पास आने ही नहीं देते। तेरा कार्य जब भी होने वाला होता है ना वही रोक देते। बोलो मेरे साथ दरबार की जय। इसलिए तो वो पहले कह रहे थे कि गद्दी चला ताकि गद्दी में तू सेवा पूरी देगा उसमें तो तूने फिर पूरा तगड़ा वाला सोच रखा है। उसने तो तूने सोच रखा है कि बालाजी की सेवा करूंगा तो घरवाली को भी दूर कर दूंगा। बोलो मेरे साथ दरबार की जय। यही सोचा हुआ है ना है? ये नहीं है पर मैं ये कह रहा हूं मेरा काम हो जाए मैं सेवा से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो कह रहा हूं काम काम तो हो मेरा भाई। एक नारियल था यहां। बोलो मेरे साथ एक नारियल था यहाँ जटा वाला इधर है बाबा जी। ये सो बोलो मेरे साथ दरबार की जय। जब ओके ले ये अपने घर के मंदिर में रखिए और बाद में खा ले इससे तेरा काम खुल जाएगा तेरे घर की जो भी दिक्कत परेशानी होगी ना। बोलो मेरे साथ दरबार तेरे बालाजी भी इसको रखते ही आ जाएंगे इसको ही रखते ही और उन्हें आना पड़ेगा और फिर वो वहीं बैठ रहेंगे। बोलो मेरे साथ दरबार की जय। इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो गई जो बाबा को बांध रहा है। बेटा प्रसन्न कर रखा है वो रोक लेते हैं प्रसन्न कर रखा है पर तू भक्ति में उनके थोड़ा ध्यान दे उनके नाम की जोत जला तभी उनको प्रसन्न कर पूरा और तब आएंगे वो पूरे उसमें। अभी तो और तगड़े उसमें आएंगे बेटा उसके नाम की जो क्योंकि बेटा जब तेरा कार्य करने वाला होते हैं ना वो तभी रोक देते हैं। बाकी मैं तो तेरा कार्य बनाने में लगी रहती हूँ लेकिन वो तेरे घर की गद्दी का मान तो पहले चलेगा ना बेटा तेरे घर की गद्दी का मान पहले चलेगा। बोलो मेरे साथ वहां से लोगों के इतने काम बने हैं मैं क्या बताऊं। दिन दुगनी रात चौगनी लोगों के मकान खड़े हुए। सत्य कह रही हूँ बेटा गलत तो नहीं कह रही और तू ही सेवा दिया करता था तेरे ही भाव थे। जिसको मिट्टी भी उठा के देती तो वो भी सोना बन गया ऐसा दरबार चला हुआ था। अब उस दरबार की गद्दी बंद हुई पड़ी है तो बेटा बाहर तो फिर कहीं दर्द नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवा ही तेरे से लेना चाहती है। पर बताओ मेरे साथ जब मैं तेरे को एक और बात बता दू चली तो मैं भी हुई हूँ आप ही चले और आगे मैं ही चल रही हूँ। बोलो मेरे साथ दरबार की पुराने घर से पहले आप ही चले। सबसे पहले मैं ही चली थी और कलकत्ते वाली ही हूँ मैं ठीक है। बालाजी को भी ले आऊंगी सबको ले आऊंगी सब। बोलो मेरे साथ दरबार की आज ही तेरे घर में आऊंगी उतने कभी नहीं। जो तेरा काम बनते हुए बिगड़ रहे ना वो इसी वजह से बिगड़ रहे उसका वो आदमी जो है पैसों का लाना चाहिए जिससे तुम बात कर पा रहे पैसे तो उसको दे